नमस्कार साथियों, ओम चिंतामणि के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी टुडे हिस्ट्री सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज में हम भारत, राजस्थान और विश्व की आज की तारीख में आज तक जितनी भी घटनाएं हो चुकी है उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे विज्ञान की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर की हो, कोई भी बात हो, ठीक है। जो घटनाएं 27 जुलाई को आज तक घटित हुई है, चाहे 500 साल पहले, चाहे 1000 साल पहले, उन सारी घटनाओं का जिक्र हाँ आज हम इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज के अंदर हमने जो डेट वाइज सारी चीजों का अध्ययन किया है, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई और पशु परिचर, कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, तो आपको इनमें से कोई ना कोई आंकड़े अपने काम के मिल जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू एक साल की हमारी इन वीडियोज को देख लोगे तो आज तक की कोई तारीख ऐसी नहीं होगी, कोई घटना ऐसी नहीं होगी जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, ठीक है। मैं एक लाइन के साथ इसको शुरू करूंगा, राह कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, राह कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। तो जानिए आज के भारतीय एवं विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 27 जुलाई का जो दिन है इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। देखो साथ में फोटो भी दिए गए हैं, आराम से देख लेना इनको। 27 जुलाई 1665 को नीदरलैंड और ब्रांडेनबर्ग ने सैन्य संधि पे साइन किए थे। जो विद्यार्थी विश्व इतिहास पढ़ते हैं या जो यूपीएससी या आरएस की तैयारी करते हैं उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो आप सोचोगे कि सर हमारे तो मान लो रीट की कर रहे हैं या राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जो कोई महत्वपूर्ण दिन है तो वो आप बताओ। तो याद रखना 1655 के अंदर दुर्साढा की मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? दुर्साढा की क्या हुई? मृत्यु हुई थी, ठीक है। और दुर्साढा के जो ग्रंथ है उनका नाम है वीरुहद छतहरी। वीरुहद छतहरी एक ग्रंथ हो ये है और दूसरा है किरतार बावनी। क्या नाम है? किरतार बावनी। तो 1655 के अंदर हमारे राजस्थान में घटना हुई, जो दुर्साढा जो अकबर के क्या थे, दरबारी विद्वान थे, उनकी क्या हुई थी, निधन हुआ था। और उन्होंने दो ग्रंथ लिखे हैं, एक का नाम है वीरुहद छतहरी और एक का नाम है किरतार बावनी। तो देखो हमने आज के दिन दुनिया की मुख्य घटना का भी जिक्र किया और जो केवल राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने राजस्थान की एक घटना को भी यहाँ पे रखा है, ये नोट कर लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। 27 जुलाई 1709 सम्राट इंपेरर नाकमिकादो जापान के सिंहासन पे बैठे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। कौन सम्राट जो है वो गद्दी पे बैठे? सम्राट इंपेरर नाकमिकादो जो है वो जापान के सिंहासन पे 1709 में आज के दिन ही बैठे थे। तो आप पूछोगे कि सर राजस्थान का भी बता दो, तो याद रखना राजस्थान के अंदर 1609 में मुगल मारवाड़ संघर्ष की क्या हुई थी? समाप्ति हुई थी। क्या हुई थी? समाप्ति। ये संघर्ष जो है ये एक 30 वर्षीय संघर्ष था। कौन सा संघर्ष था? 30 सालों का संघर्ष था, जो शुरू कब हुआ था? तो याद रखना 1679 में ये संघर्ष शुरू हुआ, जब अजीत सिंह को क्या किया गया था? कैद किया गया था। क्या किया गया था? कैद किया गया था। और 1709 के अंदर अजीत सिंह ने मुगलों से लड़के और मारवाड़ को क्या करवाया था? स्वतंत्र करवाया था। तो 30 सालों के संघर्ष के बाद में अजीत सिंह को राजगद्दी क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। इस घटना को क्या कहते हैं? मुगल मारवाड़ संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? दुर्गादास राठौड़ ने, जिनको मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं और मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती कहते हैं। मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती।
अणबिंदिया, अणबिंदिया का मतलब है एक ऐसा मोती जो कभी राज सिंहासन की परंपरा में नहीं पिरोया गया, लेकिन उसने राज सिंहासन के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, तो यह याद रखना अजीत सिंह क्या बनते हैं, शासक। मारवाड़ के अजीत सिंह क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। कहां के शासक बनते हैं, मारवाड़ के। कहां के बनते हैं, मारवाड़ के। समझ में आ रही है इतनी बातें? ठीक है, नेक्स्ट ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने डायग्राम भी यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगली घटनाओं के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट जो घटना है, नेक्स्ट घटना अपनी कौन सी है, 1713 के अंदर, आज के दिन 1713 के अंदर कौन सी घटना हुई, रूस और तुर्की ने शांति संधि पे क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। रूस और तुर्की ने शांति संधि पे आज के दिन क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो आप कहोगे कि सर भारत में इससे संबंधित कोई घटना बताओ, तो याद रखना 1713 ईस्वी के अंदर जो मराठा शाहू जी थे, शाहू जी मराठा ने बालाजी विश्वनाथ को क्या घोषित किया था, पेशवा घोषित किया। क्या घोषित किया, पेशवा घोषित किया था, पेशवा घोषित किया था। तो ये अपने भारतीय इतिहास की भी मुख्य घटना है, जो कौन से सन में हुई थी, 1713 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना भारत इतिहास की है। एक घटना मैंने बताई है, विश्व इतिहास की क्या है, मुख्य घटना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो 1836 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड की स्थापना की गई। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड की स्थापना जो है वो कब की गई थी, आज के दिन 1836 के अंदर की गई थी। ये एक मुख्य घटना है विश्व इतिहास में, ये बहुत जरूरी बात है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 27 जुलाई 1888 फिलिप प्रोट ने पहले इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन किया था। किसने, फिलिप प्रोट ने पहले इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल समझते हो मतलब लाइट से चलने वाला जो वाहन है, फोर व्हीलर है, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल है, इसका क्या किया था, प्रदर्शन किया था, मतलब इसका डेमो हुआ था आज के दिन। और यहां से अपन ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो वाहन है, ठीक है, उनकी क्या हुई थी, यहां से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये भी घटना आप याद रखना, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट 1897 में बाल गंगाधर तिलक पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। बाल गंगाधर तिलक की क्या हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। और याद रखना आज के दिन नहीं, ये जो सन है 1897 के अंदर राजस्थान में एक आंदोलन शुरू हुआ, 1897 के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ जो 1941 तक चला था, जो भारत का सबसे बड़ा अहिंसक सुसंगठित सुनियोजित किसान आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन चला था, बिजोलिया, कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, जो कब तक चला था, 1941 में। याद रखना ये घटना तो 27 जुलाई 1897 की है। अब जो रिलेटेड बात आपको मैंने बताई है, ये 27 जुलाई का कोई लेना देना नहीं है, बस ये तो याद रखना कि केवल 1897 से संबंधित मैंने आंकड़ा है वो आप लोगों के सामने रखा है। दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक ने ये बताया था आर्यों के बारे में, इनका कथन है कि आर्य कहां के, उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ये बात किसने बताई है, बाल गंगाधर तिलक ने बताई है। ठीक है, नोट करो, कर दिया। नेक्स्ट 27 जुलाई 1913 आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त का क्या हुआ था, आज के दिन जन्म हुआ था। आज के दिन किसका जन्म हुआ, ठीक है, पहली महिला क्रांतिकारी जो है कल्पना दत्त, उनका जन्म कब हुआ था, आज के दिन हुआ था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट 27 जुलाई 1921 फ्रेडरिक
पेंटिन के नेतृत्व में टोरंटो विश्वविद्यालय के जीव रसायनज्ञों ने इंसुलिन की खोज की घोषणा की थी। ये जो बोतल में दिखा रहा हूं, ठीक है, ये क्या है? इंसुलिन है। और ध्यान रखना, इंसुलिन जो कहते हैं कि सुअर की बिट्टा कोशिकाओं से खोजा जाता है, बनाया जाता है। किससे? सुअर की कौन सी? बिट्टा कोशिका। बिट्टा सेल्स जो होती है, कोशिकाएं होती है, उनसे किसका निर्माण होता है? इंसुलिन का क्या होता है? निर्माण किया जाता है। और इंसुलिन की जो खोज की घोषणा है वो कब हुई थी? 1921 में। तो राजस्थान में 1921 में कौन सी घटना हुई? याद रखना, मैं से मातृकुंडिया में मैं से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से कहा कि दो दो मत घूमो, क्या हो जाओ? एक हो जाओ। मतलब अलग अलग दो दो मत घूमो, क्या हो जाओ? एक हो जाओ। तो 1921 को एक हो जाओ, मतलब इन्होंने आदिवासी समाज के लिए एक आंदोलन चलाया था 1921 में। एक के आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। कहां से चलाया था? मातृकुंडिया से चलाया था। और ये जो मातृकुंडिया है, इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? हरिद्वार। राजस्थान का क्या कहते हैं? हरिद्वार कहते हैं। और ये मातृकुंडिया का जो मेला है वो कब लगता है? विशाख महीने की पूर्णिमा को मातृकुंडिया का मेला लगता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट, 27 जुलाई 1939 सीआरपीएफ की स्थापना हुई। सीआरपीएफ क्या नाम होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखना, आज के दिन 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और इसलिए आज सीआरपीएफ का शौर्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो। कर दिया नोट? ठीक है, आगे चलो। 27 जुलाई 1940 को भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ? भारती मुखर्जी का क्या हुआ था? आज के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, फोटो भी देख लेना साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, 27 जुलाई 1987 खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक का मलबा खोजा था। ये भी विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है कि टाइटैनिक का मलबा कब खोजा गया था? 1987 में। कितनी तारीख को? 27 जुलाई को। मैं जो दिखा रहा हूं ये वो फोटो है जो टाइटैनिक के मलबे का क्या है? फोटो है। और ये घटना कब की है? 1987 की। तो राजस्थान में क्या हुआ सर? तो याद रखना, उस्ता कला के कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता की आज के ये 1987 में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और जस्ट एक साल पहले 1986 में इनको उस्ता कला के लिए क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। समझ में आ रही है बातें? इसको भी लिख दो। देखो, आंकड़ों से आंकड़े जुड़ते जा रहे हैं, सारी यादें ताजा हो जाएगी तुम लोगों की। आगे, 27 जुलाई 1994 निशानेबाज जसपाल राणा ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। जसपाल राणा ने निशानेबाजी में विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में क्या जीता था? गोल्ड जीता था, जो खेल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 जुलाई 2015 भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का क्या हुआ था? निधन हुआ था। कब की घटना है? 27 जुलाई की घटना है। सन कौन सा है? 2015। कौन सा सन है? 2015। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 जुलाई 2018 को क्या हुआ? दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। कौन सा? 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कहां खत्म हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में क्या हुआ था? ये सम्मेलन समाप्त हुआ था। और ये उसी सम्मेलन की समाप्ति की क्या है? फोटो है। और ये घटना कब की है? 27 जुलाई 2018 की घटना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, अब देखो, जैसा आपने देखा कि प्रत्येक आंकड़े से संबंधित
हमने सारी बातों की जो डिटेल है आपस में जोड़ जोड़ के पढ़ ली है। मतलब आप रीट की, पुलिस की, एसआई, आरएएस, पशु परीचर, कोई भी तैयारी करते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, यूपीएससी, कोई भी तैयारी करते हो, तो आपको इस क्लास के अंदर प्रत्येक दिन कुछ ऐसे आंकड़े मिलेंगे जिससे आपका जो जीके है या साइंस है, जो आपकी स्टडी है, उसके बहुत सारे आंकड़े इसको रिपीट कर करके इसमें बार बार क्या हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे। एक साल तक अगर आप सीरीज को देख लोगे, डेली 10 या 15 मिनट की ये क्लास होती है, तो बहुत सारे आंकड़े आपके दिमाग में जुड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आज का दिन जो हम जी रहे हैं कितना महत्व रखता है, इसके लिए भी ये क्लास आप लोगों को देखनी चाहिए। इसको देखने के बाद में आपके नॉलेज में शानदार जो है वो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इसी उम्मीद और आशाओं के साथ में विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, ठीक है। ओके, बाय बाय।